गया है, भारतीय जनता पार्टी का बागडोर उनके हाथों में सौंपा है, ये पार्टी को मजबूत। क्या उम्मीदें हैं नए प्रदेश अध्यक्ष से? बहुत सारी उम्मीद। स्वागत में महिला मोर्चा की सभी बहने फूल और शंखनाद और सुस्वागत के साथ स्वागत लगाना, एकदम दिवाली दशहरे मना दिए है, बचना चाहिए। मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज कॉर्डिनेशन देख रहे हैं। देखिए, अभी हम बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद है और अभी से कुछ देर बाद जो है बिहार बीजेपी के नवनिर्वाचित बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो है वो बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। दिल्ली गए थे अभी से कुछ दिन पहले ही, दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और आज दिल्ली से पहली बार पटना पहुंच रहे थे कि बीजेपी कार्यालय में किस तरीके से उनके स्वागत की तैयारी की गई, जो महिलाएं हैं वो वेलकम किट लेकर के किस तरीके से अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत की तैयारी में लगे। क्या नाम हुआ मैडम? धर्मशीला शर्मा। कहाँ से आई है? पटना से। रहने वाली है, क्या तैयारी है आज की? बहुत सारी है, तो आप देख रहे हैं कि कितनी तैयारियां चल रही हैं। हम महिलाओं समय बहुत उमंग है। नवनियुक्त जो दिलीप जायसवाल जी बिहार का मुखिया बने हैं पार्टी, उनको बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी का बागडोर उनके हाथों में सौंपा है, ये पार्टी को मजबूत। क्या उम्मीदें हैं नए प्रदेश अध्यक्ष से? बहुत सारी उम्मीद। महिला क्या नाम हुआ? चांदनी पांडे, प्रदेश मंत्री महिला। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए आप लोग खड़े हैं जी? शंखनाद के साथ उनका आज फूल वर्षा से स्वागत होगा और उनका पदभार ग्रहण भी है। महिलाओं में उत्साह है, दो तीन दिन से इसकी लगातार तैयारी चल रही है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये सुस्वागतम जो लिखा हुआ है, ये सब महिलाओं ने हाथ से, दिनों से तैयारी कर रहे थे अपने प्रदेश अध्यक्ष के, हाथ से बनाया हुआ है, हाथ से बनाया हुआ है। अच्छा, हाथ से बनाई है। हाँ। तो देखिए, ये बीजेपी के कार्यकर्ता, इनका कहना है कि ये हाथ जो है वो स्वागत के लिए अपने नए प्रदेश। क्या नाम हुआ? माला सिन्हा, पार्षद। बहुत बहुत अच्छा तैयारी है। नौ नियुक्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, अभी आने वाले हैं, उनके स्वागत में महिला मोर्चा की सभी बहने फूल और शंखनाद और सुस्वागत के साथ स्वागत लगाना, एकदम दिवाली दशहरे मना दिए हैं। अब कोस बजना चाहिए क्योंकि हमारे नौ नियुक्त आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, तो उनके स्वागत में रहना चाहिए क्योंकि हमारे गार्जियन स्वरूप हैं और सभी को देखेंगे, तो इसलिए स्वागत में रहना ही चाहिए। क्या उम्मीदें हैं महिलाओं को नए प्रदेश अध्यक्ष से? पहली बात तो मैं अभिनंदन करने के लिए, मैं सीमांचल से आती हूँ, मैं कटिहार जिले से हूँ और पूरा सीमांचल में बहुत ही हर्षोल्लास मना जा रहा है आज कि आज वहाँ के जो ये एमएलसी थे आज प्रदेश अध्यक्ष बने, बहुत उल्लास है और उनसे महिलाओं को बहुत ही उम्मीद है और खास करके इस बार विधानसभा में उनसे बहुत उम्मीद की जा रही है महिलाओं के द्वारा, और कहेंगे कि उनके आने से संगठन मजबूत भी होगी और 2025 में पूरा बिहार, भारत बिहार में बहुत अच्छा संख्या भाजपा ला रही है। तो देखिए, अभी बीजेपी कार्यालय मौजूद है, किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो फूल की डालियां लेकर के तैयारी में जुटे हैं, आज नए प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, क्या तैयारी है? तैयारी देख सकते हैं, शंखनाद की तैयारी, फूल तैयारी है जी, बिल्कुल पुष्प वर्षा की तैयारी, यहाँ से स्वागत जो कर रही है सारी महिलाएं, वो सारी चीज तैयारी है। बिल्कुल फूलों की बारिश होगी क्योंकि हमारे नव निर्वाचित अध्यक्ष जो चुनाए हैं उनके स्वागत के लिए सारी महिलाएं एकत्रित हुई हैं। महिलाओं को क्या उम्मीद है नए प्रदेश अध्यक्ष से? देखिए, महिलाएं तो हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन करती रही हैं, बढ़ चढ़ कर आज राजनीति में और खासकर भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं का बहुत ज्यादा योगदान है और आज हमें नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने का मौका मिला है और हम सब पूरे बिहार से महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई हैं उनके स्वागत के लिए, हमें पूरी उम्मीद है कि उनके मार्गदर्शन में हमारा भाजपा और आगे जाएगा बिहार। तो देखिए, बीजेपी कार्यालय को नए प्रदेश अध्यक्ष के पटना पहली बार आने के बाद से दुल्हन की तरह सजाएगा, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, किस तरीके से देखिए बीजेपी कार्यकर्ता में उत्साह है। यदि पटना के सड़कों को देखें तो पटना के सड़कों पे फूल से सजा दिया गया है बीजेपी के नव निर्वाचित।